हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए यसडी की स्क्रैम्बलर, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है गाइस देखने में। बहुत अच्छा है, आपको स्टांस मिल जाता है और बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स भी मिल जाते हैं गाइस, जो कि मॉडर्न है, बहुत अच्छी लगती है गाइस देखने में। तो वीडियो शुरू करते गाइस, उससे पहले थैंक्स टू रामसंस मोटर जिन्होंने हमें यह बाइक दिया रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गाइस आपके स्क्रीन पर आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। सो गो एंड चेकआउट गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर आपको ना दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक आती है सिंगल टोन और एक आती है डुअल टोन। और अभी आप जो देख रहे हैं ना गाइस, ये डुअल टोन वेरिएंट है और ये टॉप ऑफ द मॉडल है गाइस, काफ़ी एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव यही आती है। और इस कलर की बात करें तो यहाँ पर ना गाइस आपको रेबल रेड कलर देखने को मिल जाती है। इसमें और भी बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं, जिसमें आपको फायर ऑरेंज, मीन ग्रीन, येलिंग येलो, मिडनाइट ब्लू और आउटलैंड ऑलिव, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी कलर आपको देखने को मिल जाती है। इसकी फ्रंट से शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाइएगा, आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ी सी ऑफसेट प्लेस्ड है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या मिलती है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, आपको काफ़ी प्रीमियम आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी लगती है, जिसमें आपको फुली क्रोम की हाउसिंग मिल जाती है। बीच में आपको एसडी की लोगो, यहाँ पर आपको एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड डीआरएस देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको हाई बीम, ऊपर की तरफ आपको लो बीम मिल जाती है। अब ब्लिंकर्स की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको एलईडी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाते हैं ब्लिंकर्स, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर गाइस आपको ग्रे कलर में आपको इसके फेंडर देखने को मिल जाती है, जो कि प्लास्टिक में है। और उसके नीचे गाइस बात करें तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि मेटल में है। यहाँ पर इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाता है विद कॉइल स्प्रिंग, जिसमें आपको फॉग गटर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको मड एंड डस्ट प्रोटेक्शन आपको इजीली मिल जाती है गाइस। बात करते हैं इसके टायर की और व्हील्स की, तो यहाँ पर गाइस आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं 19 इंच की, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और इसकी टायर की भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। इसके टायर सेक्शन की बात करें तो 100x90 19 इंच की आपको टायर देखने को मिल जाती है, जो कि MRF की तरफ से आती है। इसकी ब्रेक्स की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको 320mm की आपको काफ़ी मैसिव डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ABS की रिंग मिल जाती है। और इसके सस्पेंशन में गाइस आपको येलो रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बाइब्री के डुअल पिस्टन कैलिपर वाले आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं इसके पीछे की तरफ गाइस, देखते हैं पीछे में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो पहले इसकी आप साइड लुक भी देख लो, कितनी मस्त लगती है ना गाइस देखने में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके सस्पेंशन की, तो गाइस यहाँ पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है विथ नाइट्रॉक्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके टायर की बात करें व्हील्स की, तो यहाँ पर गाइस आपको 17 इंच की आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाती है। और इसकी टायर सेक्शन की बात करें तो 140x70 आपको 17 इंच की आपको टायर देखने को मिल जाती है, जो कि MRF की तरफ से आपको काफ़ी अच्छी आपको वाइट टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टायर हगर भी देखने को मिल जाती है। इसकी ब्रेक्स की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको 240mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको ABS की रिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम आपको बाइब्री के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, और जो कि प्लास्टिक से कवर्ड है गाइस, जिससे आपको मड एंड डस्ट प्रोटेक्शन थोड़ी सी मिल जाती है। और इस बाइक में ना गाइस आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी आपको सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं गाइस इसके साइड लुक की, तो काफ़ी प्रीमियम आपको लुक्स देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। कुछ डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो व्हील बेस मिलती है ना गाइस 1403mm की आपको व्हील बेस देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको मिल जाती है 200mm की, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसकी सीट हाइट की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको 800mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है विथ थोड़ी सी रिबन फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइस, अच्छी लगती है गाइस देखने में, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और इसकी कव वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 182 kg की आपको कव वेट देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी क्लोज से बात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा, आपको जो टैंक मिलता है ना गाइस 12.5 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाला टैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फ्यूल कैप में यहाँ पर आपको ESD की लोगो, ESD की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, लेजेंडरी ESD यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फुली ग्राफिक्स में आपको ESD के लोगो के साथ आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। थोड़ी साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ESD की लोगो मिल जाती है। उसके नीचे गाइस यहाँ पर आपको टैंक पैड में भी आपको ESD के लोगो के साथ आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाती है रेड एंड ग्रे में, काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाती है गाइस, इस तरफ आपको रेडिएटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फुली ब्लैकआउट आपको इंजन देखने को मिल जाता है गाइस, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको ऑफ रोड टाइप आपको फुटरेस देखने को मिल जाता है राइडर के लिए। यहाँ पर आपको गियर लीवर भी देखने को मिल जाती है। थोड़ी पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बैटरी बॉक्स में आपको स्क्रैम्बलर और ESD की लोगो देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस देखने में। यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है इसके एग्जॉस्ट से, और इस बाइक में ना गाइस आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। चलते हैं इसके पीछे की तरफ, तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी गाड़ी देखने को मिल जाता है, जो कि अलग ही तरह से प्लेस किया गया है गाइस।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुली एलईडी सेटअप मिलती है, एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी आपको ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती है गाइस। और यहाँ पर आपको ग्रैबलर्स भी देखने को मिल जाती है गाइस। थोड़ी नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको एग्जॉस्ट मिलती है, फुली क्रोम में आपको मिल जाता है फिनिश। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर आपको स्क्रैम्बल और ESD लेजेंडरी ESD की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है लोगों के साथ। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक वॉल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट फुटरेस्ट मिल जाती है राइडर के लिए, और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक लीवर भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके हैंडल बार और इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है ना, इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। इसके हैंडल बार से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल रॉड में हैंडल बार देखने को मिल जाता है विद सपोर्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वही क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन आपको मिरर देखने को मिल जाती है राउंड शेप में। इसकी क्लच की बात करें तो गाइस थोड़ी सी हार्ड आपको क्लच लीवर देखने को मिल जाती है, उसके नीचे आपको हेडलाइट कंट्रोल, हाई बीम, लो बीम और पास की स्विच देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मोड, सेलेक्ट और अप एंड डाउन की स्विच देखने को मिल जाती है। स्विच की जो क्वालिटी है ना गाइस काफ़ी अच्छी है। इसकी टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाती है। यहाँ पर गाइस आपको ना चार्जिंग पोर्ट मिलती है जिससे आप अपना फ़ोन इजीली चार्ज कर पाइएगा, जिससे आपको USB और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राइट की तरफ आए तो यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल, इंजन की स्विच, हजार्ड की बटन और इंजन स्टार्ट करने की स्विच देखने को मिल जाती है। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ गाइस। ये आप देख सकते हैं आपको सिंपल की मिलती है विथ SD की लोगो। मैं यहाँ पर की वापस से लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लिखा हुआ है गाइस, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ट्रिपे लगा हुआ है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। और इसमें ना गाइस आपको रेन मोड और ऑफ रोड दोनों मोड मिलते हैं। और जब यहाँ पर आप मोड का बटन जब प्रेस कीजिएगा ना गाइस, तो यहाँ पर आपको और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे ट्रिप बी, ओडो, ट्रिपे में आप स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके वार्निंग लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर की इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलती है, ABS की लाइट, न्यूट्रल, इंजन मेलफंक्शन की लाइट और लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ना गाइज आपको लो इंजन ऑयल भी देखने को मिल जाता है इंडिकेटर। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके फ्रेम और स्विंग आर्म की। तो यहाँ पर आपको ना डबल क्रेडल फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसकी फ्रेम की बात स्विंग आर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ना टायर प्रेशर की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके इंजन की गाइज, तो यहाँ पर आपको ना 334 cc की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOSCFI BS6 इंजन देखने को मिल जाता है जो कि फुल्ली ब्लैकआउट है गाइस, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और इसकी मैक्स पावर की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 29.1 PS की जो कि आपको मिलती है 8000 RPM में। और मैक्स टॉर्क की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 28.2 Nm की जो कि आपको मिलती है 6500 RPM में। इसी गेयरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 6 स्पीड की आपको गेयरबॉक्स देखने को मिल जाती है कॉन्स्टेंट मैश वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसमें जो आपको मोड्स मिलते हैं, इसमें आपको दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं, रेन और ऑफ रोड मोड, जिसमें आपको जो पावर है ना गाइस थोड़ी सी कम हो जाती है। रेन और ऑफ मोड में जो आपको पावर मिलती है 26 PS की पावर मिल जाती है जो कि आपको मिलती है 7000 से लेकर 7500 RPM के बीच में। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके माइलेज की, तो यहाँ पर आपको सिटी में जो माइलेज मिलती है, सिटी और हाईवे दोनों मिला के गाइस आपको 30 KMPL की आपको माइलेज आपको देखने को मिल जाती है जो कि ठीक है गाइस। और इसकी प्राइस की बात करें रांची की तो वो आपको एक शोरूम जो प्राइस मिलती है 2,19,750, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 2,55,925। सो प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है गाइज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।